तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या है? इन कॉमन टर्म में लोग सोचते हैं कि सेविंग बोले तो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट बोले तो सेविंग है, दोनों सेम है। लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है, डिफरेंस है। पैसे जो है पेड़ पे नहीं उगते हैं, सही बात है। अक्सर बोला जा बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, पैसे जो है पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये उगता है जब हम पैसों को सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तभी वो ग्रो होता है, तभी वो ग्रो होता है। तो पैसे को बढ़ाना है, उसको ग्रो करना है, तो उसके लिए अपने को कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, जीनियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक जो है वो जान लिए तो हो जाएगा। कुछ बेसिक टर्म जान लिए, एक प्रॉपर प्लान बना लिए और उस प्लान पे हम लोगों को अटल रहना है, उस पर टिका रहना है। इसमें कोई मतलब नहीं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, कितने ज़्यादा है या कम है। इम्पोर्टेंस क्या है कि टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट योर अपॉर्चुनिटीज़। तो अपने आप को एजुकेट करना कि किस प्रकार से हम लोग मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आज इस टॉपिक पे ही हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। सेविंग का मतलब है जब पीपल, है ना, जब लोग अपने जो बचत करते हैं, जो कंजम्पशन, कुछ जो इनकम करते हैं उसमें से जो कुछ एक्सपेंडिचर होता है या खर्चे होते हैं, और कुछ उसमें से खर्चे होने के बाद जो बचे हैं उसको सेविंग कहा जाता है, है ना। तो सेविंग कब होगा? जब हमारा कंजम्पशन लेस होगा इनकम से, यानी इनकम से अगर कंजम्पशन लेस है तो बचा जो अमाउंट है वो सेविंग कहलाएगा। तो व्हेन दे कंज्यूम लेस देन देयर इनकम, तो इज सेविंग। ठीक, जैसे हम लोग कुछ पैसे जो है खर्चे के लिए लिए, उसमें से कुछ पैसे खर्चे किए और जो बच गए अमाउंट उसको सेविंग बोल सकते हैं। उसको हम लोग कहीं पे रख देते हैं, है ना। दूसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है जब उस अमाउंट को, कुछ अमाउंट को कुछ नए चीज़ खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, नए कैपिटल गेन करने के लिए कुछ चीज़ों को जो परचेस किया जाता है या फिर कोई एसेट खरीदा जाता है जिससे हमको फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी, फ्यूचर में कुछ आमदनी होता है, यानी हमारे जो अमाउंट है उस अमाउंट को ऐसे जगह पे लगाओ उस अमाउंट से कुछ कैपिटल गेन हो, कुछ अमाउंट अपने को मिले, है ना। जैसे कि हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर, यानी कहीं पे वो पैसे को लगाए या फिर कुछ चीज़ें ऐसे खरीदे जिससे हमको अर्निंग हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो हमने थोड़े 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 करके कुछ पैसे जमा किए, कुछ पैसे से हमने एक गाड़ी खरीद लिया, उस गाड़ी से हम लोग रेंट पे दे रहे हैं, गाड़ी को भाड़े पे चढ़ा रहे हैं, वो गाड़ी से भाड़े पे चढ़ाने से जो पैसा अर्निंग हो रहा है वो है हमारे, है ना, इन्वेस्टमेंट का कैपिटल गेन। ठीक, इसको हम लोग एक कंपैरिजन टेबल से देखते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो है मीनिंग, सेविंग का मतलब है दैट पार्ट ऑफ द पर्सन इनकम विच इज़ नॉट यूज फॉर कंजम्पशन। तो जो अपने इनकम का वो हिस्सा जो यूज होने के बाद रह गया उसे हम लोग बोलेंगे सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या किसे कहा जाएंगे? इन्वेस्टमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग फंड इन कैपिटल एसेट विथ ए व्यू टू जनरेट रिटर्न। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाएगा जो हमको कैपिटल एसेट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमको कुछ जनरेट हो, बदले में कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। तो पर्पस, सेविंग का पर्पस क्या है और इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है? सेविंग आर मेड टू फुलफिल शॉर्ट टर्म और अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, हमको कभी कभी पैसे एकदम
आकस्मिक लगता है, यानी अचानक लगता है, अर्जेंट में लगता है, तो पैसे जो है सेविंग के तौर पे रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज मेड टू प्रोवाइड रिटर्न एंड हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, जो अपने को रिटर्न देने वाला है और कैपिटल फॉर्मेशन यानी पैसे बनाने में हेल्प करता है, उसका पर्पस वो है। सेविंग का पर्पस टू फुलफिल शॉर्ट टर्म गोल या फिर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तीसरा जो पैरामीटर है रिस्क, सेविंग में लो और नेग्लिजिबल, कोई रिस्क नहीं है, जो हमारे पैसे है उतना ही पैसा हमारे पास बना रहेगा, ना उससे कम होगा ना बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट वेरी हाई, उसमें रिस्क ज़्यादा है, हमारा जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल हमको मिल भी सकता है रिटर्न, उसका रिटर्न भी मिल सकता है, कैपिटल भी मिल सकता है, या मे बी कैपिटल लॉस भी हो सकता है, इसलिए इसको रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट में हाई है और सेविंग में नेग्लिजिबल या लो रिस्क। अब रिटर्न किस में ज़्यादा है, सेविंग में नो रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं आएगा, या फिर आया तो भी बहुत ही लेस, यानी अगर हमने बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खोल के रखा है तो ये हमारे पैसे जो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो वो जो पैसे जो है उसमें बहुत ही नेग्लिजिबल रिटर्न आता है, या फिर घर में हमने पिगी बैंक बनाते हैं है ना, उसके अंदर हम लोग जमा कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट में कंपेरेटिवली हाई रिटर्न, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न जो है सेविंग के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स जो नेक्स्ट है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मीन्स जब हमें पैसे चाहिए तब उपलब्ध होना, तो सेविंग में जो है लिक्विडिटी हाई है, जब पैसे चाहिए तभी हमको मिल सकता है, सेविंग अकाउंट में है तुरंत निकाल लिया, गुल्लक में है तुरंत फोड़ के निकाल लिया है ना, घर में रखा हुआ है तुरंत निकाल लिया, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी यानी उपलब्धता, पैसे की उपलब्धता सेविंग में बहुत हाई है, तुरंत मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में जैसे कि हम लोग पैसे लगा के रखे हैं तो उसमें जो है लिक्विडिटी जो है थोड़ा कम है, तुरंत नहीं मिलता है। अब इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखे हैं है ना, तो ज़मीन खरीद के रखे हैं, तो अब वो पैसे तो है और ज़मीन का रेट भी बढ़ रहा है, उसका रिटर्न भी मिलने वाला है, लेकिन अगर अगर हमको तुरंत पैसे चाहिए तो उसका लिक्विडिटी नहीं है, तुरंत तो ज़मीन बिकेगा नहीं, और लिक्विडिटी इसलिए कहा गया है कि लेस लिक्विड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझ गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सेविंग के इम्पोर्टेंस बताए थे, सेविंग का आदत होना ज़रूरी है, सेविंग करने की जो प्रवृत्ति है वो निर्माण होना चाहिए, सेविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो इन्वेस्टमेंट आता है, तो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो वो सेविंग अमाउंट जो है कुछ हमको रिटर्न मिलेगा, कुछ हमको उसके बदले में रिटर्न कैपिटल गेन हो सकता है। तो पहला स्टेप्स क्या था, सेविंग, नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट। हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, कैसे करना जिससे हमको रिटर्न अच्छा मिले। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएं।